मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करूंगा मिलिंग मशीन एंड इट्स ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ मैंने पहले से बना रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द मिलिंग मशीन। पहले ये होता क्या है, पहले ये देख लें, ठीक है। और ये है हमारा नी टाइप। अब इसमें पर्टिकुलर हर एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा सेक्शन, इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। अब आते हैं दूसरे, ये जो है ये, इसे बोलते हैं सैडल। इसे क्या बोलते हैं? सैडल। नेक्स्ट जो इसके ऊपर जस्ट अटैच होता है या माउंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? टेबल। टेबल, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा रहता है ये वर्कपीस। वर्क पीस। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेडेड पार्ट, ये क्या है? हमारा कटर। ठीक है, कटर को किसने सपोर्ट कर रखा है? ये है आर्बर। आर्बर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्बर को सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा ये स्पिंडल। ये क्या है? स्पिंडल। ये हमारा है स्पिंडल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये ओवर हैंगिंग, ये है हमारा ओवर आर्म। ओवर आर्म क्या है? ओवर आर्म। और आर्बर को जो दोनों साइड से सपोर्ट करता है, एक ये है और ये स्पिंडल है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक। और अगर हमें कटर चेंज करना हो तो यहां से डिटैच कर सकते हैं स्पिंडल से हम आर्बर को, और फिर कटर आराम से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां आए तो ये क्या है हमारा? ये है नी। इसे क्या बोलते हैं? नी। और यहां पे देख रहे हो आप, ये स्क्रू है, ठीक है। मतलब ये मोशन ले सकता है। ये नी जो है हमारा, वर्टिकल मोशन ले सकता है, ठीक है। सैडल को हम मूव कर सकते हैं, टेबल को भी मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टेबल को आगे इसके ऊपर, सैडल के ऊपर हम लोग क्रॉस में जा सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है। और सैडल ये ऐसे ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये मूवमेंट दे सकते हैं। और टेबल जो होगा इसके परपेंडिकुलर इस ऐसे मोशन देगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या हो गया फिर? ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जो है एक डायग्राम है, जो कॉमन डायग्राम मिलिंग मशीन का है, वो मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करेंगे इसके ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। ऑपरेशंस में आप यहाँ पहले देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अप मिलिंग। नेक्स्ट है डाउन मिलिंग। थर्ड है स्लैब मिलिंग। फोर्थ है एंड मिलिंग। फिफ्थ है गैंग मिलिंग। सिक्स्थ है एंगुलर मिलिंग। सेवन इज फॉर्म मिलिंग एंड एट इज फेस मिलिंग। तो एक एक करके इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो डायग्राम। ओके, आप पहले फर्स्ट बात करते हैं अप मिलिंग, ठीक है। अप मिलिंग में क्या होता है? ये हमारा एक कटर है, इसके पेरी पेरी पे कटर लगे होते हैं, इस टाइप से कटर लगा होगा। अब इसमें क्या होता है अप मिलिंग में?
ये हमारा क्या है, वर्क पीस। नाम क्या बोल रहा है, अप मिलिंग। इसमें है ये, इसका मोशन है, और इसमें क्या होगा, इसका इस साइड को मोशन, मतलब ऑपोजिट क्या होने वाला है, ऑपोजिट। ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, और आप देख सकते हो कि ये वर्क पीस को ये कटर क्या करना चाहेगा, अप में ले जाना, अपने साथ ऊपर ले जाना, ठीक है। ये ऐसे रोटेट हो रहा है और ये इसकी तरफ ट्रैवर्स कर रहा है वर्क पीस, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कटर की, कि इसको ऊपर उठा के लेके जाए, ठीक है। फोर्स क्या होगा, टेंडेंशियल ऊपर ही काम करेगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अप मिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डाउन मिलिंग की। मैं बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और विच इज बेस्ट अप्लाइड इन द इंडस्ट्रीज, बट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड है हमारा डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा कटर है, आई नो माई ड्रॉइंग इज बैड बट समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। ये हमारा कटर का टीथ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन डाउन मिलिंग ये हमारा है वर्क पीस, वर्क पीस। तो इसका मोशन क्या होगा, इधर, मींस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां जो टेंडेंसी होगी कटर की, वो क्या होगी, इसको नीचे कंप्रेस करने की, दबाने की। देख रहे हो ना, ये ऐसे करके काटेगा, ठीक है। कटिंग एक्शन इसका डाउनवर्ड है, तो इसे क्या, डाउन की ओर ले जाना चाहेगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाउन मिलिंग। अब दोनों में से अगर बात करूँ कि बेस्ट कौन है, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हमें ज़्यादा ऑप्ट कर किया जाता है। वो किस लिए, क्योंकि वर्क पीस हमारे टेबल के साथ क्लैंप होता है, क्लैंपिंग डिवाइसेस के साथ। तो ये क्या होगा, इसमें अगर कुछ लूज भी हो जाता है हमारा क्लैंपिंग डिवाइस, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स है, ये टेबल को अटैच कर रखेगा टेबल के साथ। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा होल्डिंग डिवाइसेस है वो लूज हो सकता है, क्योंकि ये वर्कपीस को अपने टेबल से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्लैब मिलिंग की। मेरे ख्याल से ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं और जो बाकी ऑपरेशंस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल देता हूँ, पार्ट 2 बनाकर, ठीक है। ओके, थैंक यू।